इसके लिए हमें चाहिए एक पतला वाला मैकेनिकल इरेजर, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं चारकोल पेंसिल, ये या फिर ये ग्लास मार्किंग पेंसिल, ये थोड़ा सस्ता आता है तो ये इजीली अवेलेबल भी रहता है। और हमें चाहिए चारकोल पेंसिल, चारकोल पेंसिल मीडियम एंड सॉफ्ट, एक थोड़ा सा मोटा उससे मैकेनिकल इरेजर जो कि ये इजीली अवेलेबल होता है, और ये भी चारकोल पेंसिल है जो कि ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, और एक शार्पनर। अगर आपके पास ये चारकोल पेंसिल और मैकेनिकल इरेजर नहीं है तो आप इसके जगह पे नॉर्मल इरेजर भी यूज कर सकते हैं। एक बार हम लोग रेफरेंस को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस इमेज जिसे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये बाल थोड़ा सा उजरा चमन टाइप में लग रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं कि ताकि ये थोड़ा सा ठीक लगे, और ये बाल को हम लोग थोड़ा सेट करने की कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके। और जो ये आप लोग को वाइट वाला एरिया दिख रहा होगा हाईलाइट करके, जो है ये वाला एरिया जो है हम लोग इसके नीचे का एरिया जितना भी है उसको हम लोग डार्क ब्लैक से पहले पाउडर डाल के यूज कर लेंगे। आगे प्रोसेस में बताते जाएंगे कैसे कैसे यूज करना है। ये सारा जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग डार्क करेंगे, और इसके ऊपर का जितना भी एरिया है उसको हम लोग डार्क करेंगे ये वाला। अभी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन के लिए मैंने यूज किया हुआ है मीडियम चारकोल, और हम लोग हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे ताकि इरेज करने में आसानी हो। अगर हम लोग दबा के यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज करते हैं, तो इरेज करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक बार चारकोल अच्छे से बैठ गया है पेज पे तो उसे इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको आउटलाइन की वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हैं। YouTube में ये ऑप्शन रहता है, आप इस स्पीड को कम कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग शेडिंग पे फोकस कर रहे हैं तो आउटलाइन आप स्लो करके देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जितना भी लाइंस और कर्व ड्रॉ किया हुआ है सबको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे डार्क चारकोल से, मीन्स सॉफ्ट चारकोल यूज करके। स्टार्टिंग में मैंने जैसे रेफरेंस को एक्सप्लेन किया हुआ था उसी तरह हम लोग सेम उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हाईलाइट क्रिएट करेंगे जो कि हेयर्स के बीच में था कुछ इस तरह से। हाईलाइट एरिया को कंफर्म करने के बाद उसके बाद हम लोग चारकोल पाउडर का यूज करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए हम लोग नॉर्मल चारकोल पाउडर का यूज करेंगे। और इसके लिए हम लोग सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेंगे, उसके बाद या ब्लेड या और किसी चीज़ से उस पर खुरच खुरच के उसका पाउडर डस्ट करेंगे उस पर। ऐसा जब हो जाए तो हम लोग उसके बाद यूज करेंगे एक नॉर्मल ब्रश जिसका अपर टिप थोड़ा सा काट के हम लोग यूज करेंगे ताकि ये ब्रश हार्ड हो जाए और ये परफेक्ट रिजल्ट दे पाए जैसा हमें चाहिए। तो इसे धीरे धीरे हम लोग ब्रश की मदद से इन पाउडर को हम लोग फैलाते हुए जाएंगे। जैसा कि हम लोग हाईलाइट एरिया मार्क किए हुए हैं तो हमें उसके अंदर नहीं जाना है, और जो हमारा बाउंड्री लाइन है बस उसी के अंदर हमें रहना है। और हमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो स्टार्टिंग में सॉफ्ट पेंसिल से जो डार्क लाइन किया हुआ था, कर्व्स वगैरह जो हमने यूज किया हुआ था हेयर के कर्व्स, वो छिप ना जाए, इसलिए हम लोग पाउडर से उतना ही डार्क करेंगे ताकि हमारा कर्व्स जो हमने सॉफ्ट चारकोल से ड्रॉ किया हुआ था वो विजिबल रहे कुछ हद तक। अब हम लोग चारकोल पाउडर को हटा लेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट लेयर के लिए जा सके। एक्स्ट्रा एरिया जो पाउडर के फैलने के कारण जो बन चुका है उसे हम लोग इरेज कर लेंगे। अब हम लोग कॉटन बड्स की मदद से हम लोग थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लेंगे।
आप लोग कॉटन बड यूज कर सकते हैं या फिर उसके जगह पे किसी भी चीज़ पे कॉटन लपेट के यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग ब्लेंडिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग रेफरेंस में देख रहे होंगे, हाईलाइट एरिया पूरा तो वाइट है नहीं, इसीलिए हम लोग हाईलाइट एरिया में भी हल्का हल्का चारकोल का यूज करेंगे और एक बार फिर से हम लोग हाईलाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो छिप चुका है, जो डस्ट के कारण कवर हो चुका था। अब हम लोग फिर से एक बार जितने भी हेयर्स के लाइंस और कर्व्स थे उसको फिर से एक बार सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से हम लोग डार्क कर लेंगे ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो, और साथ में ही हम लोग रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हाईलाइट भी क्रिएट करते हुए जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और हमें ध्यान रखना है कि हेयर का जो बेस लेयर है, सबसे नीचे का जो एरिया है, हमें उसे अभी ड्रॉ नहीं करना है, सबसे लास्ट में हम लोग उसे ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार फिर से हेयर के हाईलाइट स्ट्रोक को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कर्व्स सही से पता चलते रहे। आप इसके लिए मैकेनिकल इरेजर का यूज कर सकते हैं, मोटा वाला या पतला वाला, टोम्बो मोनो जीरो इरेजर वाला, या फिर आप लोग नॉर्मली इरेजर भी यूज कर सकते हैं। यही है कि उसमें थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा हम लोग को, तो आप नॉर्मल इरेजर का शार्प एंड बना करके भी आप स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसके एज का यूज करके इस तरह का स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं। पर सबसे आसानी ये टोम्बो मोनो जीरो इरेजर में होती है, पर वो थोड़ा महंगा आता है, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था सिल्वर कलर का जो था, इसके वजह से हम लोग ये मैकेनिकल इरेजर यूज करेंगे ताकि आप लोग को भी ये इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। ये क्योंकि ये 20 से 25 रुपए का आता है तो ये इजीली अवेलेबल होगा, और टोम्बो मोनो इरेजर वो 400 के आसपास का आता है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसी को यूज करते हुए चलेंगे, मोटा वाला मैकेनिकल इरेजर को। अब हम लोग हेयर के स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक सा फील आए। इसके लिए हमें जो हर एक हेयर के कर्व्स हमने जो स्टार्टिंग में सॉफ्ट चारकोल से ड्रॉ किए हुए थे, तो उनके बीच में हेयर के पतले पतले स्ट्रोक डालना शुरू करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हाईलाइट हमारा कहाँ पे है, हाईलाइट को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे, और रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग हाईलाइट क्रिएट करते हुए जाएंगे जहाँ पे हमें हाईलाइट दिख रहा हो। हेयर के स्ट्रोक डालते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि हाईलाइट एरिया जो है वहाँ पे हमें कम हेयर डालने हैं, जैसे कि आगे यहाँ पे आगे आप लोग देख रहे होंगे कि जो ज़्यादा हाईलाइट एरिया हम लोगों ने छोड़ के रखा हुआ था वहाँ पे हम लोग कम हेयर डालेंगे, और हो सके तो हम लोग वहाँ पे लास्ट में हेयर डालें। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने हाईलाइट एरिया है जो उसे मैंने छोड़ दिया है अभी के लिए। पहले मैंने नीचे और ऊपर का जितना भी ये स्ट्रोक था हेयर का वो मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद हम लोग ये ब्लेंडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक हेयर को ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे हाईलाइट के बीच में। अब हम लोग रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हाईलाइटेड एरिया में सिंगल सिंगल स्ट्रोक हेयर के क्रिएट करना शुरू करेंगे, और हमें यह ध्यान रखना है कि इस एरिया को हमें डेंस नहीं करना है, मतलब हाईलाइटेड एरिया को डेंस नहीं करना है। यह है मेरा ब्रश, आप लोग देख सकते हैं ऊपर से काटा हुआ है, किस तरह से काटा हुआ है वो भी देख लीजिए आप लोग। इससे होता है क्या, ये ब्रश हार्ड हो जाता है और ये अच्छी तरह से पेपर पे डस्ट को, चारकोल पाउडर को अच्छी तरह से वो ब्लेंड करने के लिए काम आता है। तो हम लोग जब एक एक हेयर बना लेंगे तो हम लोग इसी की मदद से इसे ब्लेंड करेंगे। अभी हम लोग कॉटन बड का यूज नहीं करेंगे, कॉटन बड के साथ समस्या ये आती है कि वो
लाइन के स्ट्रोक को ब्लेंड कर देता है, जो कि हमें नहीं करना है इस वक्त। अभी हमें सॉफ्ट ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, हल्की ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। और यह ब्लेंडिंग ब्रश से जो हम लोग कर रहे हैं, ये हेयर के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। इससे होगा ये कि हेयर के स्ट्रोक पे ये कम असर करेगा और हेयर के स्ट्रोक भी हमें क्लियरली विजुअल होंगे। और हाइलाइटेड एरिया में भी हम लोग हल्के हल्के ब्लेंडिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि ये कवर होता जाए। ऐसा तो है नहीं कि हाइलाइटेड एरिया क्लियरली वाइट है, तो इसीलिए हम लोग हल्के हल्के चारकोल ब्रश का यूज करते हुए हल्के हल्के हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग इरेज कर लेंगे। अब हम लोग टोम्बो मोनो जीरो इरेजर की मदद से सिंगल सिंगल हाईलाइट स्ट्रोक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इससे होता यह है कि ये पतला स्ट्रोक क्रिएट करता है तो ओरिजिनल हेयर सा फील आता है। तो आप लोग चाहे तो मोटा वाला मैकेनिकल इरेजर को आगे से शार्प करके भी यूज कर सकते हैं, या आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल इरेजर अगर यूज कर रहे हैं तो उसके शार्प एज का यूज कर सकते हैं, मतलब जो साइड का एज होता है उसका यूज कर सकते हैं। यही है कि अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। बट ये वाइट स्ट्रोक हम लोग जो क्रिएट करते हैं, ये रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्रिएट करेंगे। जहाँ पर भी ये वाइट हाईलाइट होगा हम लोग वहाँ पर इसे यूज करेंगे। और जो हमारा मेन हाईलाइट एरिया है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। एक बार हम लोग फिर से सॉफ्ट चारकोल का पेंसिल का यूज करते हुए हाईलाइट करने के दौरान जहाँ पे भी हमारा लाइंस इरेज हो गया था, हेयर का स्ट्रोक इरेज हो गया था, हम लोग उसे फिर से क्रिएट कर लेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग अपर पार्ट है, जो हेयर का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से कर्व क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे हमें रियलिस्टिक हेयर सा देखे। और ये सॉफ्ट चारकोल का यूज हम लोग वाइट हाईलाइट जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से, उसके आगे और पीछे हम लोग इस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे एरिया को डार्क करने के लिए। एक बार फिर से हम लोग ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग करने की करेंगे ताकि ये स्ट्रोक ख़राब ना हो। और जहाँ जहाँ हमें लगे कि स्ट्रोक की डार्कनेस कम हो रही है, हम लोग रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए उसे फिर से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा एरिया है जो गलती से ड्रॉ हो गया है, चाहे डस्ट के कारण ड्रॉ हो गया है, उसे हम लोग इरेज करते हुए चलेंगे ताकि ये थोड़ा साफ़ सुथरा दिखना शुरू हो जाए। तो हम लोग ये बेस लेयर जो है हेयर का, इसे अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम लोग पतले पतले, सबसे पहले तो हम लोग को सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को साफ कर लाना है ताकि पतला स्ट्रोक आए, और पतले पतले स्ट्रोक को जनरेट करने की कोशिश करेंगे और हेयर के डायरेक्शन में जनरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक प्रॉपर सा शेप हमें हेयर का दिखना शुरू हो जाए। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे यह है कि हमें यह ध्यान रखना है, हेयर का जो स्ट्रोक हमें लगाना है सबसे बेस लेयर पे, वो हेयर के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अब हम लोग अपर एज को पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अपर एज को ड्रॉ करते हुए हमें
कर्व अच्छे से क्रिएट करना है। इससे होता है कि हमें ये लगेगा कि हेयर परफेक्ट सेट किया हुआ है। अगर हम लोग इसे परफेक्टली ड्रॉ नहीं करते, ये लगेगा जैसे इधर उधर बाल बिखरा हुआ है। तो हमें ये कर्व क्रिएट करना है ताकि ये परफेक्ट दिखना शुरू हो जाए, परफेक्ट सेट हेयर दिखाई दे। ये वाला कर्व, ये सारे जो कर्व्स हैं हम लोग को अच्छे से ड्रॉ करने हैं, अपर एज के कर्व को। ये अब रियलिस्टिक सा दिखना शुरू हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज कर रहे हैं। चारकोल पेंसिल नहीं है, ये ग्लास मार्किंग पेंसिल है जो कि 5 रुपये का आता है। चारकोल पेंसिल थोड़ा महंगा आता है बट ये 5 रुपये का आता है, हम लोग इसे यूज करेंगे। अगर आप इसे यूज ना भी करें तो काम चल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रियलिस्टिक सा दिख रहा है, पर मैं इसे यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक सा दिखे। इसे मैं हाईलाइट एरिया के जगह पर यूज कर रहा हूँ, और जहाँ पे हाईलाइट टू डायरेक्ट डार्क जगह पे है, जैसे हाईलाइट टू डार्क एज, एक शार्प एज क्रिएट होता है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे ताकि ये सॉफ्टली हाईलाइट टू डार्क एरिया में जा सके। अब हम लोग इसे ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये जितना भी एक्स्ट्रा वाइट हो चुका है वो थोड़ा कम हो जाए, प्रॉपर सा रियलिस्टिक फील दे। एक बार फिर से हम लोग लास्ट टाइम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करते हुए हेयर के स्ट्रोक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग हाईलाइट क्रिएट करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे। पहले हम लोग सॉफ्ट चारकोल से स्ट्रोक बना लेते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग के बाद एक बार फिर से हाईलाइट के बाद ब्लेंडिंग करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस एक बार हम लोग फिर से लास्ट टाइम रिपीट करने वाले हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हेयर के डार्कनेस को हम लोग बढ़ा सकें, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डार्क कर सकें। Thank you for watching this video. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.